नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तुर्की के भरोसे इस्लाम का लंबरदार बनने के ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की ओर से बड़ा झटका लगा है। एर्दोगन ने तुर्की में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन शुरू कर दिया है, यानी हजारों की संख्या में अवैध रूप से तुर्की में घुसे पाकिस्तानियों की धरपकड़ का काम शुरू हो चुका है, जिसमें अंकारा से 51 पाकिस्तानियों को पकड़कर वापस पाकिस्तान पार्सल किया गया है। तुर्की द्वारा पाक नागरिकों पर यह कार्रवाई ऐसे वक्त की गई है जब इमरान खान पाक तुर्की दोस्ती के नाम पर मदरसा कौम को गदैया नृत्य करा रहे हैं। मुल्ला मुल्क में इस दोस्ती के नए तराने बजाए जा रहे हैं, लेकिन तुर्की ने स्पष्ट कर दिया है कि ये फालतू का कचरा उसकी धरती को स्वीकार नहीं है। तुर्की में बड़े पैमाने पर पाक नागरिकों की गिरफ्तारियां चल रही है। पुलिस ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तानियों को हवालात में डाल रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कार्रवाई केवल पाक नागरिकों पर ही जारी है। पिछले साल भी एर्दोगन ने ऐसा ही सख्त अभियान चलाया था, जिसमें 120 पाकिस्तानियों को देश से निकाला था, जबकि 3000 से ज्यादा टोपीबाजों को तुर्की की हवालात में पहुंचाया था। दरअसल जब से पाक तुर्की के संबंधों में निकटता आई है, भिखारी मुल्क के भिखारी अवैध रूप से तुर्की में घुसपैठ कर रहे हैं। लगभग 1.5 साल से 6000 से अधिक टोपीबाज तुर्की में घुस चुके हैं। इनमें अकेले अंकारा में ही 4000 से अधिक अवैध पाकिस्तानी मौजूद हैं। तुर्की की दिक्कत यह है कि इन पाकिस्तानियों ने यहां भी आतंकी गुट बनाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही पिछले 1.5 साल में अंकारा में अपराध की दर 3 गुनी बढ़ गई है। इन बढ़ते अपराधों का जिम्मेवार पाकिस्तानी घुसपैठियों को ही माना जा रहा है। पिछले साल दिसंबर 2019 तक 300 से ज्यादा पाकिस्तानी अपराधी दबोचे गए हैं, जिनमें ज्यादातर तुर्की कानून के हिसाब से जेल में सजा काट रहे हैं। ज्यादातर पाक घुसपैठिए समुद्र के रास्ते तुर्की में घुसने में सफल हो जाते हैं। इस काम में ISI भी बड़ी भूमिका निभा रही है। तुर्की में पहले से ही अवैध तौर पर पहुंचे पाकिस्तानी उन्हें रिसीव करते हैं, साथ ही अपने पास शरण देकर उन्हें तुर्की प्रशासन से छुपाने में मदद करते हैं। दरअसल तुर्की में ISI बड़ी तेजी से अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है। ISI का ऐसा करने का मकसद एर्दोगन के जाने के बाद भी वहां अपनी पकड़ बरकरार रखना है। इसके लिए ISI ने तुर्की की सेना और विपक्षी नेताओं में अपना नेटवर्क मजबूत करने की प्लानिंग तैयार की है। पर लगता यू है कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन भी एक साथ दो दांव चल रहे हैं। वह इस्लामिक जगत में तुर्की को सर्वोपरि बनाने को प्रयासरत है, तो भीतरखाने पाकिस्तान के चरित्र को लेकर भी सतर्क है। पाकिस्तान दोस्ती की आड़ में फायदा उठाने की फिराक में है, जबकि एर्दोगन दोस्ती और देश को अलग अलग करके देख रहे हैं। एर्दोगन जानते हैं कि पाकिस्तान से तुर्की की किसी भी मायने में बराबरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान कंगाल देश है, इसके PM से लेकर जनता की सोच एक भिखारी से बढ़कर नहीं है। इसलिए दोस्ती के बहाने इन्हें दिल से जोड़ा गया तो तुर्की के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, जिसमें पिछले दिनों बड़ा नुकसान होने से तुर्की को बचाया भी गया है। सऊदी अरब के $520 करोड़ लौटाने के लिए पाकिस्तान चीन के सामने गिड़गिड़ाया था, मगर जब वहां उसकी दाल नहीं गली तो इमरान खान ने एर्दोगन से $2 अरब के लिए झोली फैलाई। तुर्की को समझने में देर नहीं लगी कि पाकिस्तान मुगलों के मुल्ला चरित्र पर उतर आया है। इसलिए एर्दोगन ने कोरोना महामारी से परेशानी बताकर बामुश्किल पाकिस्तान से पीछा छुड़ाया। इस बात का खुलासा अब जाकर हुआ है कि कैसे तुर्की पाकिस्तान के बाद भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन रहा है। दरअसल इसके पीछे तुर्की में मौजूद अवैध पाकिस्तानियों का हाथ है। पाक की खुफिया एजेंसी ISI यहां पर भारत के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार कर रही है, जिससे तुर्क लोगों में भारत की नकारात्मक छवि बनने लगी है। तुर्की के कट्टर इस्लामिक संगठन केरल और कश्मीर समेत देश के तमाम हिस्सों में फंड भेज रहे हैं। वैसे तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तान को मुसलमानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। यह सच इस बात से भी साबित हो जाता है क्योंकि यह दोनों ही देश चीन के उइगर मुस्लिमों पर मौन है। तुर्की जिस तरह से पाक के नागरिकों पर एक्शन कर रहा है, उसके पीछे भारत का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यहां मौजूद पाक नागरिक अब तुर्की के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इन टोपीबाजों पर नशीले पदार्थों की तस्करी, किडनैपिंग, हत्या जैसे जघन्य आरोप हैं। इनमें से ज्यादातर घुसपैठिए पाकिस्तान से यूरोप होते तुर्की में घुसे हैं। पिछले 1 साल से तुर्की प्रशासन पाकिस्तान को लेकर बेहद सचेत है। अवैध घुसपैठ कराने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी या तो जेलों में बंद है या फिर उनकी मरम्मत करके डिपोर्ट कर दिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की में अवैध घुसपैठ करने वालों में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। तुर्की की संघीय जांच एजेंसी बुरी तरह से पाक नागरिकों के पीछे पड़ी हुई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग सेल को कल 33 लोग सौंपे गए हैं। इन लोगों को लेकर तुर्की के अधिकारियों ने स्थानीय पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क किया था, पर यहां मौजूद मुल्ला अधिकारी पहले तो इनकी नागरिकता पर ही टालमटोल करते रहे। बाद में FIA ने तथ्य सौंपे तो दूतावास को इनकी नागरिकता स्वीकार करनी पड़ी।
इसके बाद एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए इन लोगों को मुल्ला मुल्क भेजा गया। इस प्रकरण से पाक तुर्की की दोस्ती का भंडा भी फूट गया। साथ ही यह भी साबित हो गया कि पाक के ये भिखारी मुल्ला कहीं भी रहे अपनी करतूतों से बाज नहीं आने वाले हैं। यूबीएम मुगलों की वो संतानें हैं जो सबसे पहले दोस्त की पीठ में ही छुरा घोंपने के लिए विख्यात है। यह केवल तुर्की में इन जाहिलों की शुरुआत मात्र है। तुर्की में जिस तरह कट्टरपंथ की जड़ें मजबूत हुई है, वह भी यूरोप का नया पाकिस्तान बन रहा है, जिसे होती अपराधों में बढ़ोतरी और नशीले पदार्थों का तुर्की में विस्तार। इस मुल्क का भविष्य भी पाकिस्तान के नक्शे कदम की गवाही दे रहा है, जिसमें केवल तुर्की की जनता ही प्रभावित नहीं होने वाली है, बल्कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तरह तख्त पलट की घटनाएं भी घटती दिखेगी। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन जिस तरह पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्त हुए हैं, उससे यही लगता है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नागरिकों से चिंता सता रही है। खासतौर से जिस प्रकार पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अपने 70 साल के रिश्ते मिनटों में खत्म कर दिए, ऐसे में तुर्की का वैसा का हो सकेगा, इसको लेकर एर्दोगन सचेत है। उन्होंने पाक के कचरे की देश से सफाई का आदेश देकर इमरान सरकार की नींद उड़ाई है। पाकिस्तान की कारगुजारियों का भंडाफोड़ होने से इमरान खान भी खुद दुविधा में है। वैसे भी तुर्की प्रशासन जिस प्रकार पाक नागरिकों की धरपकड़ कर रहा है, उससे पाकिस्तान द्वारा तुर्की में खेले गए हर खेल का पर्दाफाश हो रहा है। इमरान की फिक्र इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से ऐसे संकेत हैं कि उधर से भी पाकिस्तानियों का देश निकाला हो सकता है। हालांकि इसके लिए बुशरा बेगम को मेकअप मैन सजाने में जुट गए हैं। प्रिंस सलमान को मनाने के लिए इमरान बुशरा के साथ उनके दरबार में हाजिरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों मियां बेगम जल्दी सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं। इधर तुर्की ने पाकिस्तानियों को जिस प्रकार धक्के मारकर निकाला है, उसने भी इमरान की मुश्किल बढ़ा दी है। इससे पाकिस्तान की बची खुची इज्जत की धज्जियां उसी के खास दोस्त ने उड़ा डाली है। खास बात यह है कि तुर्की ने पाक नागरिकों पर जो आरोप लगाए हैं, वे बेहद ही संगीन है। पाकिस्तान के लिए तुर्की का यह व्यवहार न नकारते बन रहा है और न स्वीकारते बन रहा है। वह दोनों ही हालत में बुरी तरह से फंस चुका है। तुर्की प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से फरवरी 2020 तक तकरीबन 6000 पाकिस्तानी अवैध रूप से तुर्की में घुसे हैं, जिनमें 2000 के करीब गिरफ्त में आए हैं, जबकि 4000 के लगभग तुर्की के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी जराइम की दुनिया से जुड़े हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक फरवरी 2020 तक कुल 20,000 से ज्यादा अवैध पाकिस्तानी तुर्की में दाखिल हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने जुगाड़ करके तुर्की की नागरिकता तक ले ली है। सरकार ने तुर्की में रह रहे प्रवासी पाकिस्तानियों के दस्तावेज फिर से रिव्यू करने का अभियान लॉन्च करने का फैसला लिया है, जिसके बाद एक एक दस्तावेज की गहनता से जांच की जाएगी। यानी पाकिस्तानियों को तुर्की से भगाने के लिए एर्दोगन कमर कस चुके हैं, जिसमें तुर्की को पाकिस्तान नागरिक फ्री देश घोषित किया जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।